हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम टीचर ऑफ क्लास सेकेंड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स चैप्टर 4 पार्ट 14 एक्सरसाइज 4.2। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। बिल्कुल सेम सम है उसी तरीके से, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। ये कैरी वाले हैं, कैरी वाले सम आते हैं ना आपको, आप आई थिंक सभी लोग कर लेते होंगे, बहुत अच्छे से आते हैं कैरी वाले, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिविजन करवा देती हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, हम सम कहाँ से करते हैं, कहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, वन से ऐड करते हैं ना, ना कि 100 से स्टार्ट, यहाँ से नहीं करते ना स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन से। वन टेंथ 100 आता है आपको काउंट करना, अच्छे से आता होगा। तो मैं 5 और 7 को काउंट करूँगी, ऐड करूँगी, कितना हो जाएगा 5 और 7। मैंने आपको बताया था फिंगर काउंटिंग भी हम कर सकते हैं। फिंगर काउंटिंग के लिए क्या करना है, ये 7 है मेरे हाथ में, अब मुझे क्या करना है, 5 ऐड करना है, 5 ये 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, कितने हो गए, 5, 7 और 5 कितने हो गए थे, 12 हो गए। मैं क्या यहाँ 12 लिख दूंगी पूरा, नहीं, मुझे क्या करना होगा, ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा हमारा, ये 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी, क्या कहाँ चला गया बेटा, कैरी हो गया। चलिए अब मुझे क्या करना है, अब इन तीनों को ऐड करना है, इन सबको जोड़ना है। मैं क्या करूंगी, 6 और 2 को पहले प्लस करूंगी, 6 और 2 कितने हुए, 6 मेरे हाथ में, ये साइड में ये है 6, और मुझे क्या करना है, 2 ऐड करना है, 6, 7, 8 कितने हो गए, 8, लेकिन 1 कैरी भी तो है, 8 तो हो गए, 8 तो मेरे है ही और 1 कैरी, तो 8 और 1, 9 कितना हो गया, 9। क्या अब मेरे पास कैरी गई, कैरी है ही नहीं, अगर यहाँ भी कुछ होता नंबर तभी तो मैं कैरी ऊपर ले जा पाती, कैरी की नीड ही नहीं है मुझे, है ना, 9 में मेरा है और फिर मुझे यहाँ कैरी की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगी, कैरी जाएगी ही नहीं। फिर अब मुझे क्या करना है, 3 और 1 को ऐड करना है, 3 और 1 को ऐड करना है, कैसे करेंगे, सेम है, बहुत इजी है, ये 3 है और ये 1 है, 3 और 1 कितना हुआ, 3, 4 कितने हो गए, 4, बहुत आसान है, 4 हो गया, है ना। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, ऐड, ऐड आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको होमवर्क में देती ही रहती हूँ, ये तो मैंने एक जस्ट रिवीजन है करवा दिया क्योंकि आपके बुक में था, ठीक है। चलिए चलिए अब आता है वर्ड प्रॉब्लम, है ना, वर्ड लैंग्वेज वाले समय किस तरीके से रीड करते हैं, पहले सबसे क्वेश्चन को रीड करेंगे, अगर मुझे क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो मैं आंसर को निकाल पाऊंगी, है ना। चलिए रीड करते हैं, विभू प्लांट, विभू ने क्या किया, प्लांट किए, प्लांट मीन्स पौधा लगाया, कितने फ्लावर्स लगाए उसने, 342 फ्लावर्स, उसने कितने पौधे लगाए, कितने फ्लावर्स के पेड़ लगाए थे, 342, ठीक है, फ्लावर्स उसने पुट किए, प्लांट किए। अंकुर, अब एक अंकुर नाम का बच्चा है, उसने कितने प्लांट्स किए, 239 फ्लावर्स लगाए उसने, ठीक है। हाउ मैनी फ्लावर्स, अब उन्हें हाउ मैनी मीन्स कितना कितनी, हाउ मैनी मीन्स कितना कितनी, तो कितने फ्लावर्स डू दे प्लांट, मतलब दोनों ने मिलकर, ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ में, दोनों को मिलाकर, ऑल मीन्स सभी, टुगेदर मीन्स साथ में, दोनों का साथ में उन्होंने कितने प्लांट्स लगा लिए, कितने फ्लावर्स प्लांट कर लिए, मीन्स लगा लिए, है ना। तो सॉल्यूशन हमको क्या करना है, दोनों को मिलाना है, मीन्स ऐड करना है, हमें पता चल गया ऐड करना है, ऐड किस तरीके से करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सॉल्यूशन लिखना होता है, सबसे पहले हमें सॉल्व कर रहे हैं, हम सम को सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, विभू प्लांट्स, विभू ने कितने प्लांट्स लगाए, कितने फ्लावर्स लगाए, 342 फ्लावर्स, ये किसने लगाए हैं, विभू ने, और अंकुर ने कितने लगाए, अंकुर प्लांट्स, अंकुर ने कितने लगाए, 239, मैंने आपको बताया था 1 by 1 एक के नीचे एक आना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज आपकी आगे पीछे हो सकती है लेकिन नंबर आपका एक के नीचे एक आना चाहिए। इसने कितने फ्लावर्स लगाए, अंकुर ने लगाए इतने फ्लावर्स, दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है, ऐड करना हमको अच्छे से आता है, 9 और 2 कितने हुआ है, 9 और 2 कितना हुआ, 9 मेरा एक फिंगर में, एक हाथ में, फर्स्ट हैंड में क्या है, 9 है, 2 को मुझे ऐड करना है, 9, 10, 11 कितना हुआ, 11,
11 का 1 यहाँ आएगा और बाकी का एक और 1 कहाँ गया, कैरी, ये हो गया कैरी। तो मैं 4 और 3 कितना हुआ, 4, 5, 6, 7 7 हो गया। लेकिन मुझे 1 भी कैरी करना है, 1 भी कैरी करना है, 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 और 1 8। उसी तरीके से अब मुझे पास कोई कैरी है क्या, मेरे पास अब कोई कैरी है नहीं, अब मेरे पास कोई कैरी नहीं है। तो 3 और 2 कितना हुआ, ये 3 और ये 2, तो 3, 4, 5 हो गया, कितना हो गया 5। तो टोटल प्लांट्स कितने हुए, टोटल प्लांट्स 581 फ्लावर्स। तो कुल कितने फ्लावर्स उन्होंने लगा लिए, प्लांट कर लिए 581। अब क्या लिखना है, अब लिखना है हमको आंसर, क्या लिखना है बेटा आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर डाला हमने, हम लिखेंगे दे प्लांट 581 फ्लावर्स ऑल टुगेदर, मीन्स दे मीन्स वे, कौन कौन वे, वे कौन कौन, विभू और अंकुर। आप चाहो तो नाम भी मेंशन कर सकते हो, नेम भी बता सकते हो, विभू एंड अंकुर प्लांट्स 581 फ्लावर्स। उन्होंने इतने फ्लावर्स को क्या कर लिया, प्लांट कर दिया, मीन्स लगा दिया, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ। इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। आप कर पाएंगे इस तरीके से, मुझे फीडबैक दीजिए प्लीज। होमवर्क जितना भी मिलता है उन्हें कंप्लीट कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, थैंक यू।